कहानी के शुरू में एक औरत अपनी बेटी को चर्च के दरवाजे पे छोड़कर चली जाती है। बच्ची को तो फादर ने उठा लिया था, लेकिन उस औरत का उस दिन के बाद कुछ पता नहीं चला। यहीं पर हम एक आदमी को एक कैबिन से निकलते हुए देखते हैं। सीन यहां से कट होकर प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। चर्च के सामने मिली वो बच्ची जिसका नाम अबरूबी है, वो बड़ी हो चुकी है। एक इंटरव्यू में वो अपनी कहानी सुना रही थी कि कैसे मुझे मेरी असल मौत चर्च के दरवाजे पे छोड़ गई थी और फिर मुझे कार्ला ने अडॉप्ट किया जो मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट मॉम साबित हुई है। इन्हीं बातों के दौरान शो के डायरेक्टर को शो में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई विस्परिंग कर रहा हो। वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हुए होस्ट रूबी को बताती है कि इस शो का मकसद तुम्हारे असल पेरेंट्स को ढूंढना है तुम्हारे डीएनए सैंपल के जरिए। हम देखते हैं कि इसी शो में कुछ अजीब सी क्रिएचर्स शरारतें कर रही थी जो पूरी तरह इस वक्त नजर नहीं आ रहे। वो किसी का कॉफी का मग उठा के इधर से उधर रख देते हैं तो कहीं स्पॉटलाइट्स के स्विचेस उतार देते हैं, जिसकी वजह से स्पॉटलाइट रूबी के ऊपर गिरने ही वाली थी, पर एंकर उसे बचा लेती है। तब को ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा था कि तभी अचानक एंकर के सर पर स्विच लगता है और वो जख्मी हो जाती है। ये काम भी उन्हीं छोटी क्रिएचर्स का था। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रूबी एक क्लब में म्यूजिक बैंड के साथ अब तक काम कर रही थी और यहाँ मूवी के शुरू में दिखाया जाने वाला वो इंसान डॉक्टर हु रूबी पर नजर रखे हुए था। अगले दिन इसी क्लब में रूबी अपना काम कर रही होती है और आज डॉक्टर हु उसे सबसे अलग डांस करते हुए नजर आते हैं। रूबी को ये अच्छे लग रहे थे। हम देखते हैं कि छोटी क्रिएचर्स दोबारा रूबी को तंग कर रही हैं। वो रूबी की ड्रिंक का ग्लास नीचे गिराने वाले थे कि डॉक्टर हु उसे कैच करके टेबल के ऊपर रख देते हैं और रूबी से बात कहते हैं। उसे बताते हैं कि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हूं। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि तुम्हारे साथ ये अजीब काम अक्सर होते हैं, जैसे चीजों का गिर जाना, टूट जाना? रूबी हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, ऐसा इसलिए है कि मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ। डॉक्टर हु कहते हैं, नहीं, इसकी रीजन इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहकर वो रूबी को कंफ्यूजन में छोड़कर ही यहाँ से जा चुके थे। अगले दिन रूबी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रही थी। वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मैं बहुत चीजें खराब करती हूँ और इसी वजह से मेरी जॉब भी चली गई है। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई बैड लक चल रहा है। ये लोग एक टैक्सी में बैठते हैं और उसी टाइम सिग्नल रेड हो जाता है। इनके ऊपर एक स्नोमैन का स्टैचू था जिसके स्क्रूज भी वो छोटी क्रिएचर्स खोलती हुई नजर आती है। इससे पहले कि वो स्टैचू उनकी गाड़ी के ऊपर गिर जाता और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, डॉक्टर हु अपने डिवाइस से सिग्नल को ग्रीन कर देते हैं। गाड़ी आगे चली जाती है और ये स्टैचू डॉक्टर हु के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद डॉक्टर हु अपने टेलीपोर्टेशन कैबिन के अंदर बैठकर यहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन रूबी ग्रोसरी करके घर वापस आ रही थी और यहां भी वो छोटी क्रिएचर उसे तंग करने के लिए उसके ग्रोसरी बैग फाड़ देते हैं। रूबी बेचारी सारा सामान कलेक्ट करती है पर अंडे टूट चुके थे। वो घर आकर ये सब अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम बहुत खुशी से उसे बताती है कि हमारे घर आज एक नया बेबी आने वाला है। वो भी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि आज उसका भी बर्थडे था। रूबी की मॉम कार्ला जिसने उसे पाला था वो एक ऑर्फनेज चलाती थी, लेकिन रूबी को उसने अपनी बेटी की तरह पाला था अपने घर पर। वो अपने घर आने वाली इस छोटी बच्ची की जिम्मेदारी रूबी को देकर खुद घर से बाहर चली जाती है। और तभी रूबी को उस एंकर की कॉल आती है जो मूवी के स्टार्ट में रूबी का इंटरव्यू ले रही थी। वो रूबी को बताती है कि तुम्हारे डीएनए के जरिए पूरी दुनिया से तुम्हारे असल मॉम डैड का पता नहीं चला। साथ ही वो रूबी से ये पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ उस दिन के बाद से कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मेरे साथ तो बहुत चीजें बुरी हुई, मेरे काफी एक्सीडेंट हुए, मैं बोट से गिर गई। वो अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। वो अभी यही सब बातें बता रही थी कि अचानक उनके पास रखा क्रिसमस ट्री भी उनके ऊपर ही गिर जाता है और कॉल कट हो जाती है। रूबी को बेबी के रूम में रखे फोन के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई उसे बर्थडे विश कर रहा हो। वो जल्दी से बेबी के रूम में जाती है और परेशान हो जाती है क्योंकि वहाँ दो बेबी थी ही नहीं। वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ उनका कैमरा रखा था। उनके कैमरे से एक पिक्चर ली गई थी जिसके अंदर हमें उस छोटी क्रिएचर का फेस नजर आ रहा था। रूबी उन क्रिएचर को ऊपर से जाते हुए भी देख लेती है और उसका पीछा करती है, जहां वो क्रिएचर बेबी को एक बास्केट में डालकर आसमान की तरफ ले जा रही थी। रूबी भी उनकी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है और हम देखते हैं कि यहीं पर डॉक्टर हु भी आ जाते हैं, जो रूबी का पीछा करने की कोशिश करते हुए रूबी से पूछता है, आसमान से लटकी हुई इस सीढ़ी के ऊपर क्यों चढ़ रही हो? रूबी कहती है वो की व्हील चेयर बेबी को ले जा रही है। डॉक्टर भी जंप करके उसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और रूबी को इन क्रिएचर्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इनका नाम गॉब्लिन है। अब रूबी को इस सीढ़ी के ऊपर लटके रहने में भी मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर उसे अपने ऐसे ग्लव्स देते हैं जो आराम से रूबी का सारा वजन उठा सकते थे। इस सीढ़ी आसमान में उड़ने वाली एक शिप के साथ अटैच थी। डॉक्टर वो कहते हैं कि ये गॉब्लिन्स का ठिकाना है जहाँ पर गॉब्लिन्स बच्चों को खाते हैं
और अब तो वो हमें भी खा जाएंगे। रूबी ये सुनकर डर जाती है और गॉब्लिन सीढ़ी से उन्हें ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। गॉब्लिन्स ने इन दोनों को कैद कर दिया था। रूबी डॉक्टर से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर डॉक्टर उनसे बताती है कि अगर आज तुम्हारा और उस बच्ची का दोनों का ही बर्थडे है तो इसी इत्तफाक की वजह से गॉब्लिन्स ने उस बच्ची को उठाया है, क्योंकि इत्तफाक यानी कोइंसिडेंस बच्चों को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है गॉब्लिन्स के लिए। ये गॉब्लिन्स इत्तफाक, लक और ऐसी चीजों के पीछे जाते हैं। अब जैसे तुम्हारे साथ बैड लगती, इसीलिए ये गॉब्लिन्स तुम्हारे पीछे पड़ गए। इन गॉब्लिन्स को आने वाले वक्त में होने वाले कोइंसिडेंस का यानी इत्तफाकों का पहले पता चल जाता है। वो ये जान चुके थे कि क्रिसमस ईव पर तुम्हारे घर वो बच्ची आने वाली है। रूबी सवाल करती है कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता। डॉक्टर कहते हैं कि ये सब मैंने अभी मालूम किया है। डॉक्टर हु ने इस टाइम अपने आप को भी छुड़वा लिया था, साथ ही रूबी को भी। वो यहाँ अपने गैजेट्स की मदद से इन दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे कुछ भी मेटालिक नहीं था और उनकी डिवाइसेस मेटल्स पे काम करती थी। वो अब अपना दिमाग लगाते हैं और एक रस्सी को जोर से खींचते हैं और ऐसे ये लोग इस कैद से आजाद हो गए हैं। रूबी ने डॉक्टर को बताया था कि वो 2 बजे पैदा हुई थी और अब डॉक्टर के मुताबिक गॉब्लिन 2 बजे ही इस बच्ची को खाने वाले थे। ये लोग एक टनल के जरिए उस बच्ची को बचाने के रास्ते में थे और तभी उन्हें एक बेल की आवाज सुनाई देती है। 2 बजने में भी सिर्फ 3 मिनट रह गए थे। ये लोग एक होल से नीचे दिखते हैं जहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स जमा हैं। एक साइड पर कुछ गॉब्लिन्स नाच रहे हैं तो दूसरी तरफ कन्वेयर बेल्ट पर बच्ची को आगे की तरफ लेकर जाया जा रहा है और यहीं दूसरी तरफ हमें गॉब्लिन्स के किंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था। इसे देखकर रूबी और भी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि रूबी का बेबी कन्वेयर बेल्ट पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उस किंग के मुंह में जाने वाला था। और तभी डॉक्टर के एक रस्सी खोलने से ये दोनों नीचे कन्वेयर बेल्ट पर गिर जाते हैं, उसी कन्वेयर बेल्ट पर जिस पर बच्ची थी। ये कन्वेयर बेल्ट रुक जाती है और सभी गॉब्लिन्स हैरान होकर उन्हें देखने लग जाते हैं। जब डॉक्टर वो बच्चे को गॉब्लिन के किंग के सामने से उठाते हैं तो किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब डॉक्टर वो उनसे अपना तारुफ करवाता है और साथ ही उनके बजाए हुए गाने के ऊपर डांस भी करने लगता है। किंग और सभी गॉब्लिन्स इनके डांस को देखकर खुश हो जाते हैं। डांस करते करते डॉक्टर वो ने खुद भी एक ग्लव पहन लिया था और दूसरा ग्लव रूबी को दे दिया था। दोनों ग्लव्स पहनते ही बच्ची को लेकर रस्सी के साथ लटक कर नीचे की तरफ आ जाते हैं। गॉब्लिन किंग इन दोनों को यहाँ से भागता देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जबकि ये दोनों तो अपने घर पहुँच चुके थे। यहाँ डॉक्टर रूबी से अपना ग्लव्स वापस ले लेते हैं क्योंकि उनकी चार्जिंग बहुत कम रह गई थी। रूबी ये सारी स्टोरी अपनी मॉम को बताने वाली थी और डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। रूबी जो कि अभी भी डरी हुई थी, उसे लग रहा था कि गॉब्लिन्स अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। डॉक्टर रूबी से घर के सारे स्विचेस को चेक करने को कहता है, क्योंकि गॉब्लिन्स कुछ भी करते थे तो इस दुनिया में वो एक हादसा लगता था। डॉक्टर को लग रहा था कि गॉब्लिन्स यहाँ किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट करवा देंगे। इस सब के बाद रूबी अपनी मॉम को बताती है कि उसके असल मॉम डैड का कोई ट्रेस इस दुनिया में नहीं मिला। ये सुनकर कार्ला खुश हो जाती है और कहती है, ये तो अच्छा हुआ ना, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। उनकी बातें सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि मैं भी एक अडॉप्टिव चाइल्ड हूँ। वाओ, कोइंसिडेंस। ये जैसे ये लव्स कार्ला के मुंह से निकलते हैं तो डॉक्टर वो उन्हें ये लव्स बोलने से मना कर देता है, क्योंकि जैसा हमें पता है कि गॉब्लिन्स कोइंसिडेंस के पीछे आते हैं तो यहाँ भी आ सकते थे, पर इस मर्तबा तो खुद भी डॉक्टर के मुंह से 2-3 मर्तबा कोइंसिडेंस का लव्स निकल गया था। ऐसा करते ही अचानक उनका घर टूटने लग जाता है। घर की छत में एक दरार आ जाती है और उनका फ्लैट आधा आधा बढ़ जाता है। डॉक्टर पूरे घर को चेक करते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड ये चले गए। ये शायद उनका गुड बाय गिफ्ट था, क्योंकि बेबी भी यहाँ पर सही सलामत थी। यहाँ तक कि गॉब्लिन अपनी पिक्चर में से भी गायब हो गए थे। डॉक्टर इन सभी चीजों से तब तक खुश थे जब तक उन्हें ये नहीं पता था कि रूबी भी उनके घर से गायब है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई थी। रूबी सिर्फ उनके घर से गायब नहीं थी, वो अपनी मॉम की यादों से इस दुनिया से हर तरह से गायब हो चुकी थी। इन सारी बातों का साफ मतलब था कि गॉब्लिन्स पास्ट में जाकर छोटी रूबी को अपने साथ ले गए थे। डॉक्टर को समझ आ जाती है कि उन्हें ही अब टाइम में पीछे जाकर इन सारी चीजों को ठीक करना होगा। अपने टेलीपोर्टेशन कैबिन में बैठकर डॉक्टर रू उसी रात में पहुंचती है जब एक औरत रूबी को चर्च के सामने छोड़ के गई थी। यानी ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। डॉक्टर देखती है कि गॉब्लिन रूबी को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे। डॉक्टर उनकी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, वह सीढ़ी टूट जाती है, जबकि दूसरी तरफ गॉब्लिन किंग रूबी को खाने ही वाला था। जिस वक्त अचानक डॉक्टर हु अपने सुपर ग्लव्स को पहनकर गॉब्लिन की शिप को नीचे की तरफ खींच लेते हैं। ये शिप चर्च के पिलर से टकराती है
जो पिलर गॉब्लिन किंग के पेट के अंदर स्टैब हो जाता है और गॉब्लिन किंग वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद गॉब्लिन्स की शिप गायब हो जाती है। डॉक्टर नीचे गिरने वाली रूबी को कैच करके दोबारा चर्च के आगे रख देते हैं और वहां से दूर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि चर्च के फादर रूबी को उठाकर चर्च में ले जा चुके थे, जिसके बाद वो दोबारा अपनी मशीन के अंदर बैठकर प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां अभी भी रूबी का फ्लैग क्रैक हुआ था। रूबी को पहले की तरह देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो इस सारी कहानी रूबी को बता रहे थे कि अचानक उन्हें एंकर याद आती है, जिसके ऊपर क्रिसमस ट्री गिरने वाला था। वो दोबारा अपने टेलीपोर्टेशन कैबिन के अंदर बैठकर उनकी भी जान गॉब्लिन से बचाने के लिए चले जाते हैं, और इस मरतबा मिशन पूरा करने के बाद वो वापस रूबी के पास नहीं आते, बल्कि रूबी उनको ढूंढते हुए उनके टेलीपोर्टेशन कैबिन तक पहुँच जाती है। रूबी जैसे ही इस कैबिन का दरवाजा खोलती है तो अंदर से ये इतना बड़ा होगा उसने तो सोचा ही नहीं था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। डॉक्टर हो ने इन सभी की लाइफ की मुश्किलें ठीक कर दी थी, जो कि गॉब्लिन्स की वजह से यहाँ पे आई थी।